विश्व कप में सबसे बड़ी जीत के बाद सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका की टीम को 55 रन पर समेटा, जहां बल्ले से गिल, विराट, आइचर तो वहीं गेंद से शमी और सिराज ने बरपाया कहर। अब एक बार फिर से भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम की लंका लगा दी है मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में, जहां इसी मैदान पर वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल खेला गया था, तब भी भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम की लंका लगाई थी। इस बार भी भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को धूल चटाया वर्ल्ड कप 2023 में। अब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म और पक्की कर ली है, जहां श्रीलंका की टीम को 302 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी है, जहां भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इससे पहले टीम इंडिया ने बरमूडा की टीम को साल 2007 के वर्ल्ड कप में 257 रन के अंतर से हराया था। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली सबसे पहली टीम बन चुकी है। अब इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा टॉस हार गए थे, वरना फिर हमें लंबे लंबे छक्के और चौके भी देखने को नहीं मिलते। जी हां, इस मैच में श्रीलंका की टीम 55 रन पर सिमट गई थी, लेकिन भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 357 रन बना लिए थे। यहां पर हैरान करने वाली बात यह कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, शतक नहीं बनाया था। और इस मैच में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शतक से चूक गए, जहां शुभमन गिल 92 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद विराट कोहली 88 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद सिराज आइचर ने जबरदस्त पारी खेली, 56 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 6 लंबे छक्के भी सिराज आइचर ने लगाए। और इस मैच में सिराज आइचर ने वर्ल्ड कप 2023 का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा छक्का लगाया 106 मीटर का। जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम, तो भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज टिक ना सके। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही गेंद पर प्रथम निशांका को LBW आउट किया, उसके बाद श्रीलंका की टीम उभर नहीं पाई, एक के बाद एक विकेट गिरते गए, जहां मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, पास का पंजा मारा तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए, जबकि बुमराह और जडेजा को एक एक विकेट मिला इस मैच में। जहां इससे पहले एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में भी श्रीलंका की टीम भारत के सामने 50 रन पर ही सिमट गई थी, इस बार भारतीय टीम के सामने इस वर्ल्ड कप 2023 में 55 रन पर सिमट गई। तो श्रीलंका की टीम ने घुटने टेके, चाहे एशिया कप की बात कर ले या फिर इस वर्ल्ड कप 2023 की बात कर ले। और इस बड़ी हार के बाद, करारी शिकस्त के बाद श्रीलंका की टीम अब वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है वर्ल्ड कप 2023 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है कितने अंकों के साथ, कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, कौन कौन सी टीम रेस में और कौन कौन सी टीम पूरी तरह से एलिमिनेट यानी कि बाहर हो चुकी है। तो इस वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने अब तक अपने शुरुआती 7 मुकाबले खेल लिए और टीम इंडिया को लगातार 7 के 7 ही मैचों में शानदार और जबरदस्त जीत मिली है, जहां इन 7 मैचों में टीम इंडिया के बड़े बड़े मैच विनर निकलकर सामने आए हैं। अब पहले मैच के मैन ऑफ द मैच विनर KL राहुल थे, उसके बाद दूसरे मैच में रोहित शर्मा, तीसरे मैच में जसप्रीत बुमराह, चौथे मैच में विराट कोहली, पांचवें मैच में मोहम्मद शमी, छठे मैच में रोहित शर्मा, सातवें मैच में मोहम्मद शमी। अब इस विश्व कप 2023 में जो टीम इंडिया का जीत का सिलसिला जारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह की भारतीय पेस ट्रायो जबरदस्त गेंदबाजी करा रहे हैं शमी, सिराज और बुमराह। इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्पेशली कप्तान रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली। जहां पहले मैच में विराट कोहली ने 85 रन बनाए थे, तो वहीं दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने 131 रन बनाया था, तो वहीं तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए थे, जबकि चौथे मैच में विराट कोहली ने 103 रन बनाया था, नाबाद रहे थे, और पांचवें मैच में विराट कोहली ने 95 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, छठे मैच में रोहित शर्मा ने 87 रन की काफी महत्वपूर्ण पारी खेली थी, और सातवें मैच में विराट कोहली ने 88 रन बनाया। तो रोहित और विराट शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, भारतीय टीम और भारतीय फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अब जहां भारतीय गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अब तक वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह 7 मैचों में 15 विकेट छटका चुके हैं, तो वहीं मोहम्मद शमी ने मात्र 3 ही मैच में, पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट इन्होंने छटकाया था, उसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट छटकाया था, और तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से 5 का पंजा मारा है, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 7 मैचों में मात्र 9 ही विकेट छटकाए। तो मोहम्मद सिराज ने विकेट ज्यादा तो नहीं लिए, लेकिन गेंदबाजी अब तक काफी उम्दा इन्होंने की है। अब जहां हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना होते, तो शायद मोहम्मद शमी को खिलाया भी नहीं जाता। जी हां, मोहम्मद शमी को शुरुआती मैच में बाहर बिठाया गया था, इनकी जगह पर
शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए उसके तुरंत बाद ही मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। तो अब चलिए नजर डालते हैं वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल अंक तालिका पर, कि आखिर कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है। तो उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो कुछ इस तरह से वर्ल्ड कप 2023 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, जहां पहले स्थान पर टीम इंडिया है जो सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय टीम ने 7 मैचेस खेले इस वर्ल्ड कप में, 7 के 7 ही मैच में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली है। प्लस 2.102 इनका नेट रन रेट है 14 अंक इस टीम के। नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका जो 7 मैच खेली है, 6 में जीत 1 में हार, प्लस 2.290 इनका नेट रन रेट है 12 पॉइंट्स इस टीम के। नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, 6 मैच खेली है, 4 में जीत 2 में हार, प्लस 0.970 इनका नेट रन रेट है 8 अंक इस टीम के। नंबर 4 पर न्यूजीलैंड, 7 मैच खेली है, 4 में जीत 3 में हार, प्लस 0.484 इनका नेट रन रेट है 8 अंक इस टीम के। नंबर 5 पर पाकिस्तान, 7 मैच खेलिए, 3 में जीत 4 में हार, माइनस 0.024 इनका नेट रन रेट है 6 अंक इस टीम के। नंबर 6 पर अफगानिस्तान, 6 मैच खेलिए, 3 में जीत 3 में हार, माइनस 0.718 इनका नेट रन रेट है 6 अंक इस टीम के। नंबर 7 पर श्रीलंका, 7 मैच खेलिए, 2 में जीत 5 में हार, माइनस 1.162 इनका नेट रन रेट है 4 अंक इस टीम के। नंबर 8 पर नीदरलैंड्स, 6 मैच खेलिए, 2 में जीत 4 में हार, माइनस 1.277 इनका नेट रन रेट है 4 अंक इस टीम के। तो वही नंबर 9 पर बांग्लादेश, 7 मैच खेलिए, 1 में जीत 6 में हार, माइनस 1.446 इनका नेट रन रेट है 2 अंक इस टीम के। नंबर 10 पर इंग्लैंड, 6 मैच खेलिए, 1 में जीत 5 में हार, माइनस 1.652 इनका नेट रन रेट है 2 अंक इस टीम के। वर्ल्ड कप 2023 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, जहां सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम टीम इंडिया है, तो वहीं वर्ल्ड कप 2023 से एलिमिनेट होने वाली सबसे पहली टीम बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश अब यहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, इंग्लैंड की टीम अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती है, लेकिन मैथमेटिकली अब भी ये टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, जिसके चांसेस 0.1% है। इसके अलावा श्रीलंका ये टीम इस करारी हार के बाद सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर हो चुकी है। जी हां, श्रीलंका की टीम भी सेमीफाइनल में अब नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मैथमेटिकली श्रीलंका की टीम अब भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इसके चांसेस 0.5% है, जो कि लगभग ना के बराबर है। इसके अलावा नीदरलैंड्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। इनमें से जो टीम अपने बाकी बचे हुए 3 मुकाबले बैक टू बैक जीत लेगी, वो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। दूसरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड रहेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अब यहां से एक भी मुकाबला जीती तो सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों टीम काफी मजबूत स्थिति में मौजूद है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। इनको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस अपने बाकी बचे हुए मुकाबले जीतने होंगे।